जंग के मैदान में हथियार गिराने की अचूक क्षमता हो या दुश्मन की मिसाइल से निपटने की कलाबाजी, भारत के स्वदेशी और हल्के लड़ाकू विमान तेजस को महारत हासिल है। दुश्मन के छक्के छुड़ाने की ताकत रखने वाले इसी फाइटर प्लेन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान भरी। अधिकारियों ने बताया कि वह तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री हैं। आपको बता दें कि हवा में उड़ान और युद्ध के लिए हल्के फाइटर प्लेन ज़्यादा सफल होते हैं। भारत का तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA ऐसा ही एक दमदार लड़ाकू विमान है जो अपनी श्रेणी में पाकिस्तान और चीन के लड़ाकू विमानों को कड़ी टक्कर दे रहा है। हथियार गिराने की अचूक क्षमता रखता है तेजस। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ बताते हैं कि तेजस न सिर्फ लगातार हमले करने में सक्षम है बल्कि यह सही निशाने पर हथियार गिराने की भी अचूक क्षमता रखता है। उन्होंने कहा, यह एक फाइटर प्लेन है, इसे फाइटर की तरह ही काम करना होगा। इसने हवा से हवा और हवा से ज़मीन दोनों मोड में अच्छा काम किया है। पायलट्स भी इससे काफ़ी खुश हैं। वैसे तो यह भारतीय ही है लेकिन इसमें थोड़ी मदद विदेशियों की भी है, जैसे इसका इंजन अमेरिकी है, रेडार और हथियार इजरायली हैं और कई अन्य पुर्जे भी विदेश से लाए गए हैं। He was very happy with the flying quality, the smoothness and you know the controls and the way the aircraft was flying. Like we went close to Mach 1, the speed of sound, but he couldn't make out. I had to tell him ki this is the speed now. Raksha Mantri controlled the aircraft for some time and he flown the aircraft for some time. कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे जैसे कैप्टन नरेश तिवारी बतलाते रहे वैसा वैसा मैं करता रहा। सर, एक लड़ाकू विमान को को-पायलट करना बहुत ही साहसिक काम होता है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।